हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं कनाडा से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है कनाडा जाना चाहते हैं 30 अप्रैल के बाद, देन आपके लिए जो है ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या है ये अपडेट, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें चेंजेस के बारे में कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि आपको इफेक्ट करने वाले हैं, देन पहला जो चेंज है जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है 30 अप्रैल के बाद, वो है फीस में बढ़ोतरी। जी हाँ, सारे जो फीस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, खास करके अगर आप जो है PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन उसमें जो है चेंजेस हो गए हैं। तो अगर आप जो है 30 अप्रैल के बाद से अप्लाई करने वाले हैं देन आपके जो फीस है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और इसमें वैसे तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट थोड़े बच्चों जो चेंजेस हो गए हैं, जो यहाँ पे जो PR की फ़ीस है वो 575 कैनेडियन डॉलर हो गई है, प्लस 960 का जो है एक्स्ट्रा चार्जेस भी रखा गया है। तो इस हिसाब से देखें देन अगर आपको जो है कनाडा जाना है देन अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना रहेगा। अब दूसरी जो अपडेट के बारे में अगर हम बात करें देन दूसरा जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छा है बोल सकते हैं, और काफ़ी बुरा भी है वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मिनिमम वेजेस हैं उसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अब कनाडा से काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी कि अब जो है कनाडा में जो मिनिमम वेजेस है उस पे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, क्योंकि जो मिनिमम वेजेस है वो अगर आप देखें ऑन एन एवरेज जो कि चाहिए एक आदमी को वो जो है 21 कैनेडियन डॉलर के आसपास रहती है, लेकिन जो मिनिमम वेज मिलती थी जो कि 16 के आसपास मिलती थी वो जो है काफ़ी कम मानी जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो चाहते थे कि मिनिमम वेजेस जो है बढ़ाए जाएं। तो अभी खुशखबरी ये है कि मिनिमम वेजेस जो है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो जो बढ़ाए गए हैं मिनिमम वेजेस वो सिर्फ 60 सेंट के आसपास जो है बढ़ाए गए हैं। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग है, बट ऑन एन एवरेज हम पकड़ रहे हैं कि 60 सेंट के आसपास जो है मिनिमम वेजेस रेज कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहा है जो कि चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो चाहते हैं कि 20 के आसपास जो है मिनिमम वेज हो जाए, मतलब 20 कैनेडियन डॉलर के आसपास जो है मिनिमम वेज हो जाए तभी जाके जो है वो लोग जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है कनाडा में उसे जो है मीट कर पाए, लेकिन ये चीज़ अभी भी नहीं हो रही है। सिर्फ 60 सेंट जो है बढ़ा है और अभी भी जो है ये 60 समथिंग में जो है अभी भी रुका है। तो अभी भी जो है काफ़ी सारे लोग इस वेज इंक्रीज से नाराज़ हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छी भी बात है कि उनका जो है सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, और ये पर आवर जो है 60 सेंट के आसपास जो है आपका सैलरी इंक्रीज़ होगा तो मंथली जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, बट कहीं ना कहीं जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये अभी भी कम है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए खुशी की बात है कि पगार बढ़ रही है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए दुख की बात है कि अभी भी जो है वो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को जो है मैच नहीं कर सकते कनाडा में। तो है तो ये एक खुशखबरी, बट इतनी कम है कि इसे बुरी खबर भी कह सकते हैं। अभी भी लोग वेट कर रहे हैं कि नया अपडेट आए और रिवाइज्ड जो मिनिमम सैलरी है उसे किया जाए। वैसे अगर आप जो है प्रोविंस वाइज डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि कहाँ पे जो है कितनी मिनिमम वेज इंक्रीज़ हुई है देन मैं जो है उसके लिए एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जो है आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है देन आप जो है हमसे भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो है उसका जवाब दे देंगे। और भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है देन ऑल्सो जो है आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है हर कमेंट रोज़ पढ़ते हैं और उसका जवाब जो है देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज का हमारे इस वीडियो में। होप कि जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको और भी अपडेट जानने हैं, जैसे कि कई सारे अभी UK में प्रॉब्लम चल रही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको जो है भगाने के लिए एक बिल पास किया गया है, तो ये सारे अपडेट्स भी जो है आपको हमारी वेबसाइट bncuniverse.co.in में मिल जाएंगे, या फिर आप जो है हमारे वीडियोस देखते रहिए, जल्दी जो है हम नए अपडेट्स भी कवर करने वाले हैं हमारे इस चैनल में। और अगर आपको ये वीडियोस चाहिए देन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही साथ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और हो सके तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। सो दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।